हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए इलेक्ट्रो स्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार से यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टॉर्क का निर्माण होता है, वो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल परपेंडिकुलर बाय सेक्टर ऑफ डायपोल के बारे में देखा था। करते हैं लेक्चर स्टार्ट। माय नेम इज मनोज जांगिड एंड दिस इज योर नटखट सा चैनल स्टूडेंट वाला। सभी अपने पेन और कॉपी निकालेंगे और नोट निकालना लिखना स्टार्ट करेंगे। इधर उधर लोगों को परेशान करना बंद करो। अब देखो क्या है हेडिंग, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, क्या बोल रहा है? टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क क्या है? टॉर्क जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था। 11th क्लास, चलिए 11th क्लास का नाम मतलब हम जो 11th क्लास में पढ़ते हैं वो भूल गए हमने, तो गजनी बन जाते हैं गजनी 11th क्लास के नाम पर। तो करते हैं देखो किस प्रकार आपका गजनी दूर किया जाएगा। ये क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, जहां पर हर बिंदु क्या होता है, हर बिंदु पर क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या रहता है, समान रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान समान रहेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब इसके अंदर क्या करना है, हमें एक डायपोल को रखना है। तो ये डायपोल, ये नेगेटिव चार्ज हो गया और ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। ये मैंने डायपोल इसके अंदर रखा। इस डायपोल को रखने के बाद में ये इसका मान लिया सेंटर मैंने ओ, ये ओ सेंटर, ये एल डिस्टेंस है, ये भी एल डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ये डायपोल है, ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में माना इलेक्ट्रिक को एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया। अब इसके अंदर आप मेरे को एक बात बताओ, जब किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा जाता है तो उसके ऊपर क्या करता है, एक फोर्स कार्य करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेगा, एक फोर्स कार्य करेगा, और वो फोर्स कितने मान का होगा, क्यों ई मान का फोर्स होगा। कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज रखो उस पर क्या करेगा, एक फोर्स कार्य करेगा, उस पर एक बल कार्य करता है, क्यों ई मान का फोर्स कार्य करेगा। अब इसके ऊपर क्या बोलता है, यदि पॉजिटिव चार्ज है तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह कार्य करेगा। अब ये फोर्स क्या बोलता है, तुम हमें बुलाओगे कैसे, हमसे दूर जाओगे कैसे, हम तो वो खुशबू हैं जो हवाओं में फैली हैं, तुम सांस रोक पाओगे कैसे। वाह सर क्या बात है, 11th क्लास वो दिन। चलो जब उसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज के लिए इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट चार्ज के लिए इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब हो गया। ये क्या एक रूल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, क्या रूल है, क्या पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दिशा में लगेगा, यदि नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर एक फोर्स कार्य करेगा। इसको आप याद कर लो, ये एक रूल होता है। तो इसके अंदर हमने ये देख लिया। अब देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज पर और इस चार्ज पर दोनों पर कार्य करने वाला बल क्या होगा, दोनों पर जो बल कार्य कर रहा है वो बराबर होगा। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा इसके ऊपर, ये दोनों बराबर है, चलो मान लिया बराबर, लेकिन डायरेक्शन भी देखो इनकी अपोजिट है, ये वाला इधर लग रहा है और ये वाला इस दिशा में लग रहा है, दोनों की डायरेक्शन अलग है और इनका परिमाण समान है, तो एफ नेट ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज जीरो होगा, ऑलवेज जीरो होगा। किस में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एफ नेट ऑलवेज जीरो रहता है, ये बात आपको इसके अंदर याद रखनी है, ठीक है। यदि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो जरूरी नहीं कि इसके अंदर एफ नेट जीरो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मानो कम था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा था, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है इस प्रकार से, तो यहाँ पर क्या था, कम हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो गया, तो इसका मान ज्यादा इसका मान कम, तो एफ नेट जीरो नहीं हो सकता। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एफ नेट क्या रहेगा, जीरो रहेगा, और दिशा में किसके, पॉजिटिव चार्ज के लिए दिशा में और नेगेटिव चार्ज के लिए अपोजिट दिशा में फोर्स कार्य करेगा। अब एक चीज देखो इस वाले फोर्स के अंदर, ये क्या है, इस दिशा में एक फोर्स लग रहा है और इस दिशा में एक फोर्स लग रहा है। अब इन दोनों फोर्स की लाइन जो एक्शन है, जो इनकी लाइन एक्शन है वो क्या, अलग अलग है। ये देखो ये टॉर्क आपका, ये क्या आपका
ये आपका डायपोल है, इसके इस दिशा में एक फोर्स कार्य कर रहा है और एक दिशा में, तो इसकी क्या है लाइन एक्शन इस प्रकार से हो गई और इसकी लाइन एक्शन इस प्रकार से, दोनों के लाइन एक्शन क्या हो गए अपोजिट हो गए। वो लाइन एक्शन अपोजिट होने पर क्या होगा, हमें ये क्या करेगा रोटेट करता हुआ दिखाई देगा, ये क्या करेगा रोटेट करेगा। क्यों कर रहा है रोटेट, क्योंकि फोर्स तो मान लिया समान है अपोजिट है तो नेट फोर्स जीरो हो गया, लेकिन इसकी लाइन एक्शन ये वाली इसकी लाइन एक्शन है और इसकी ये वाली लाइन एक्शन है, तो लाइन एक्शन अलग अलग होने के कारण ये क्या करेगा इसका रोटेट करेगा। क्या टू चार्ज टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विच डू नॉट हैव सेम लाइन एक्शन, क्या टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज विच डू नॉट हैव सेम लाइन एक्शन, वो क्या करेंगे इस डायपोल को रोटेट करेंगे। हिंदी में देखो दो चार्ज हैं, दोनों चार्ज के ऊपर क्या है फोर्स कार्य कर रहा है और दोनों पर फोर्स किस प्रकार से कार्य कर रहा है बराबर फोर्स कार्य कर रहा है और अपोजिट दिशा में कार्य कर रहा है, इसके ऊपर इस दिशा में फोर्स कार्य करेगा इसके लिए इस दिशा में फोर्स कार्य कर रहा है, तो इसके लाइन एक्शन क्या है दोनों के लाइन एक्शन समान नहीं है। इसका लाइन एक्शन समान कब होती, ये वाला फोर्स इधर लग रहा है ये वाला फोर्स इधर और ये वाला इस प्रकार से, अब क्या इन दोनों की लाइन एक्शन इक्वल है और यहाँ पर लगा हुआ है यहाँ पर लगे तो इनकी लाइन एक्शन क्या है अपोजिट है, इनकी लाइन एक्शन इक्वल नहीं है, तो वहां पर ये क्या करेंगे रोटेट करेंगे। कहाँ किसके अकॉर्डिंग, सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग ये रोटेट करते हैं। सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ ऊपर मान लिया मैंने इसका, तो क्या बोल रहा है ये टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज which do not have same लाइन एक्शन, क्या बोल रहा है डो नॉट हैव सेम लाइन एक्शन। अब डो नॉट हैव सेम लाइन एक्शन तो इसका मतलब हो गया ये क्या करेगा रोटेट करेगा, किसके अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ मास के। ये मान लो दोनों फोर्स इस प्रकार कार्य कर रहे हैं, एक वाला इस दिशा में और एक वाला इस दिशा में, तो ये क्या करेगा इसको रोटेट करेगा, क्यों ही वाला तो इसको इस दिशा में लेके जाएगा और एफ क्यू नेगेटिव क्यों ही वाला इसको ऊपर की ओर लेके जाएगा, ये इसके इस प्रकार से रोटेट करेगा, ये इस प्रकार से क्या करेगा इस प्रकार से इसको रोटेट। मान लो ये क्या है एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ मास है, ये पोल का क्या सेंटर ऑफ मास, तो ये किस प्रकार से इस प्रकार से इसके चारों ओर क्या करेगा रोटेट करेगा इस प्रकार से, तो ये क्या हो गया ये मान लो इसका सेंटर ऑफ, ये भी इससे यहाँ पर क्या है पैरेलल लाइंस है तो ये थीटा एंगल बनाते हुए जा रहा है, ठीक है सेंटर ऑफ मास से क्या करेगा इसको रोटेट कराएगा, रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कहाँ है इसका ऊपर है, इसको क्या बोला जाता है सीओएम सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब ये क्या करेगा इसको रोटेट कराएगा, अब रोटेट कराने पर क्या उत्पन्न होगा टॉर्क उत्पन्न होगा, रोटेट कराने पर क्या होगा एक टॉर्क उत्पन्न होगा, तो वो टॉर्क किस प्रकार से उत्पन्न होगा टॉर्क इसका सिंबल हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये टॉर्क उत्पन्न होगा तो ये टॉर्क कितने मान का टॉर्क उत्पन्न होगा, तो क्या होगा लगने वाली फोर्स, क्या है लगने वाली फोर्स और इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या है लगने वाली फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किस प्रकार से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस प्रकार से। ये क्या है आपके पास डायपोल है, इसके इस दिशा में क्या लगा हुआ है फोर्स लगा हुआ है, तो जिस दिशा में ये फोर्स कार्य कर रहा है उस फोर्स के क्या है परपेंडिकुलर, फोर्स के क्या लेनी है परपेंडिकुलर, ये वाला फोर्स है तो इसके परपेंडिकुलर ये लाइंस लेनी है, क्या है परपेंडिकुलर का मतलब। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बच्चे इस लाइन को क्या मानते हैं परपेंडिकुलर मान लिखकर इसको एल लिखकर आ जाते हैं, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर लाइन कौन सी लेनी है फोर्स के परपेंडिकुलर, जो फोर्स कार्य कर रहा है जो फोर्स कार्य करेगा उसके परपेंडिकुलर वाली लाइन हमें लेनी है, पर फोर्स के परपेंडिकुलर क्रिया रेखा के लंबवत, क्रिया रेखा के लंबवत लाइन लेनी है डिस्टेंस लेनी है। इसके अंदर देखो यह आपका डायपोल है, इसके इस दिशा में क्या करेगा इसके नेगेटिव चार्ज के लिए अपोजिट और पॉजिटिव चार्ज के लिए इधर डायरेक्शन फोर्स लगेगा। अब फोर्स के जो लंबवत डायरेक्शन होगी ये वाला फोर्स इस दिशा में तो इसके फोर्स इस प्रकार से ये लंबवत कार्य करेगा, ये वाला इसके लिए इस दिशा में तो इसके लिए लंबवत इस दिशा में, तो क्या करना है फोर्स के लंबवत लेना है, इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होनी है फोर्स के लंबवत लेना है, इसको इतना नोट करो उसके बाद में आगे बताते हैं किस प्रकार से इसका डिस्टेंस कितना होगा, सभी इसको पोज करके नोट करेंगे। हाँ तो मैं मानूंगा आपने इसको नोट कर लिया, इजाजत है तो इसको देखो आप क्या करना है, आपने इसको कर लिया नोट
तो आगे देखो, ये रोटेट करने पर हमारे पास क्या आया था, टॉर्क आया था, कितने मान का फोर्स लगी है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान का, ये टॉर्क आया था। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी, ये वाली परपेंडिकुलर, जो फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर, ये फोर्स इस दिशा में तो लगेगा, इस प्रकार से इसको रोटेट करवाएगा, रोटेट करवाएगा जो फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस। अब ये क्या है, एल क्या है, इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, तो ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये इसके मैं दो कंपोनेंट कर लेता हूँ, ये तो एक तो हो गया एल कोस थीटा और इधर ऊपर आ जाएगा एक एल साइन थीटा। इस प्रकार यहां से देखो ये क्या है, एल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये तो क्या हो जाएगा एल कोस थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा एल साइन थीटा आ जाएगा, और ये वाला दोनों इक्वल है तो मैं इसको भी एल साइन थीटा बोल सकता हूँ। इसी प्रकार से क्या होगा, ये वाला एल कोस थीटा आ जाएगी और ये वाली डिस्टेंस क्या आ जाएगी एल साइन थीटा, और इसको भी मैं क्या बोल सकता हूँ एल साइन थीटा इसको बोला जा सकता है। तो ये आ गई आपके पास, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा आ गई। इसी प्रकार ये भी क्या आ जाएगी एल साइन थीटा आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी, इतना आपके पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई। अब इसके अंदर देखो, एक तो नेगेटिव चार्ज है और एक क्या है पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज इसको इस दिशा में रोटेट कराएगा और नेगेटिव चार्ज इसको इस दिशा में रोटेट कराएगा और पॉजिटिव चार्ज इसको नीचे की ओर लेके जाएगा। तो दोनों चार्ज क्या करेंगे, इसको रोटेट कराने में अपनी भूमिका निभाएंगे। दोनों चार्ज क्या करेंगे, रोटेट कराने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो यह वाला चार्ज इसको इस प्रकार से इसको रोटेट करेगा, देखो नीचे की ओर लेके आएगा, तो ये कैसी है क्लॉकवाइज, कैसे घुमाएगा इसको क्लॉकवाइज, और ये वाला इसको इस दिशा में रोटेट करवाएगा। क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज इसको ऊपर की ओर लेके जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इसको नीचे की ओर लेके जाता है। तो दोनों चार्ज के लिए टॉर्क देखो किस प्रकार आएगा, फोर्स कितना है क्यू वी एल साइन थीटा, ये इसको किस प्रकार से रोटेट करेगा क्लॉक वाइज इसको रोटेट करेगा। इसके लिए दूसरे वाले चार्ज के लिए भी क्यू ई एल साइन थीटा, ये भी इसको कैसे रोटेट करेगा क्लॉक वाइज इसको रोटेट करवा रहा है। दोनों देखो, देखो डायपोल को क्या कर रहा है, ये नीचे की ओर लेके जाएगा, इस दिशा में इसको क्या करेगा रोटेट करेगा, यह वाला भी इसको क्या करेगा इस दिशा में इसको रोटेट करेगा। दोनों क्या है क्लॉकवाइज है, और दोनों क्लॉकवाइज होने के साथ साथ क्या है सेम भी है। तो टॉर्क बराबर कितना आ जाएगा टू क्यू ई, कितना आ गया टू क्यू ई एल साइन थीटा, कितना आ गया टू क्यू ई एल साइन थीटा। यहाँ पर आप देखो फील करो इसको, क्यू इंटू टू एल, क्यू इंटू टू एल, क्यू इंटू टू एल आ गया। तो टॉर्क बराबर देखो क्यू इंटू टू एल ई साइन थीटा, क्या आ गया टॉर्क बराबर क्यू इंटू टू एल ई साइन थीटा आ गया। अब ये क्या है डायपोल मोमेंट, इसको क्या बोला जाता है डायपोल मोमेंट बोला जाता है, ये वाला आपको पहले से मालूम है। तो इसको देखो किस प्रकार से लिखेंगे, टॉर्क बराबर आ जाएगा पीई साइन थीटा, क्या आ गया पीई साइन थीटा आ गया। अब देखो, अब इससे एक चीज देखो, ये क्या है PE sin थीटा, और आपने 11th क्लास में ये पढ़ा है AB sin थीटा, क्या पढ़ा है AB sin थीटा वेक्टर में, तो इसको क्या भी लिख सकते हैं A क्रॉस B भी लिख सकते हैं और B क्रॉस A भी लिखा जा सकता है। अब ये कंडीशन पर डिपेंड रहेगा कि इसको A क्रॉस B लिखें या B क्रॉस A लिखा जाए। तो वो देखो यहाँ पर भी इसको क्या लिख सकते हैं हम, P क्रॉस E लिखा जा सकता है और E क्रॉस P भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा वो देखते हैं। अब देखो इसके अंदर ये क्या है, डायपोल भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, तो टॉर्क भी क्या होगा एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमें पता है इस दिशा में होगी, डायपोल की डायरेक्शन किस दिशा में होगी, ये इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये भी इसको क्लॉक, तो पूरा डायपोल क्या घूमेगा घड़ी की दिशा में घूमेगा क्लॉकवाइज, तो डायपोल की डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज हो गई। अब देखो मैं इसको यहां वैसे बना लिया, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर डाइपोल की डायरेक्शन होती है ये पर, और ये हो गया थीटा एंगल बना रहा। तो इसको एक बार तो मैं पी टू ई की ओर लेके आता हूँ, पी से ई की ओर लेके आऊंगा, तो ये बताओ कि जब मैं इसको डाइपोल मोमेंट को ई की ओर लेके आता हूँ, पी से कहा ई की ओर इस प्रकार से घुमाता हूँ, तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, कैसे घूमेगा क्लॉकवाइज, तो पी क्रॉस पी से ई की ओर आएंगे तो ये कैसे घूमेगा क्लॉकवाइज, कैसे घूमेगा क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यही मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको ई से पी की ओर लेके जाता हूँ, क्या करेंगे इसको ई से पी की ओर लेके जाएंगे तो ये क्या करेगा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, कैसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज हमें पता है डायपोल की डायरेक्शन किस दिशा में क्लॉकवाइज,
तो हमें क्या लेना होगा, ये क्लॉकवाइज वाला लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज नहीं ले सकते। तो टॉर्क बराबर कितना आ जाएगा, टॉर्क बराबर आ जाएगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। कितना आ जाएगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। कैसे आएगा, ये हमारे पास डाइपोल क्या था, क्लॉकवाइज आ रहा था, तो हमें टॉर्क की डायरेक्शन भी कैसी चाहिएगी, क्लॉकवाइज चाहिए। इसको आपको रटना नहीं है, पी क्रॉस ई, आपको इसको समझना है क्या करना है। आपको पता है ये क्लॉकवाइज आ रहा है, ये भी क्लॉकवाइज, तो पूरा डायपोल कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा। तो हमें टॉर्क की डायरेक्शन भी कैसे चाहिए, क्लॉकवाइज चाहिए, और क्लॉकवाइज के चलिए चाहिए तो हमें कहां से कहां जाना होगा, डायपोल टू इलेक्ट्रिक फील्ड जाना होगा, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड टू डायपोल। ये गलती मत करना, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से डायपोल नहीं जाना है, हमें डायपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड जाना है, ठीक है। यह वाला इसके अंदर होगा। अब इसके बाद में देखेंगे कहां पर डायपोल मोमेंट मैक्सिमम होगा, कहां पर मिनिमम होगा, और कहां पर इसका मान जीरो होगा, यह वाली कंडीशन भी इसके अंदर देखेंगे। तो इसको अभी नोट करेंगे सभी, क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स करता है, फोर्स अप्लाई रहेगा, तो ये क्यों ही इसके पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव के लिए अपोजिट डायरेक्शन में। फिर इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एल साइन थीटा निकालेंगे, फिर दोनों के लिए टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क निकालने को जोड़ेंगे, फिर आपको ये डायरेक्शन दिखाएंगे, इस प्रकार से आपके पास टॉर्क आ जाएगा। सभी इसको पॉज करके नोट करेंगे। इसके बाद में देखते हैं कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क मैक्सिमम होगा और कहां पर मिनिमम होगा, वो देखते हैं। जीना सीखते हैं, जीना जीना, जीना जीना, जीना जीना। ये हो गया आपका डाइपोल। अब देखते हैं वेयर इज दिस टॉर्क, वेयर इज दिस टॉर्क मैक्सिमम। क्या बोल रहा है, वेयर इज दिस टॉर्क मैक्सिमम, आपका टॉर्क मैक्सिमम क्या होगा। आपको पता है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पीई साइन थीटा। तो पी क्या है, कौन एक वैल्यू देगा, ई भी क्या देगा, एक वैल्यू देगा। तो कहां किस पर निर्भर करेगा, यह करेगा साइन थीटा पर निर्भर करेगा कि आपका टॉर्क मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, यदि आप टॉर्क मैक्सिमम चाहते हो तो आपको क्या करना है, साइन भी मैक्सिमम चाहिए, और साइन मैक्सिमम कहां होगा, प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव वन पर होगा। तो यहां पर एक बार मैं पॉजिटिव वन के लिए बात करता हूं, तो पॉजिटिव वन कहां आएगा, ये आएगा साइन 90 के ऊपर। कितने आएगा, साइन 90 के ऊपर ये प्लस वन प्राप्त होगा। तो हमें टॉर्क मैक्सिमम कहां प्राप्त होगा, टॉर्क मैक्सिमम प्राप्त होगा थीटा बराबर 90 के लिए, आपको ये टॉर्क मैक्सिमम प्राप्त होगा। अब टॉर्क मैक्सिमम के लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हमने, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब 90 रखना है, 90 का मतलब ये हो गया, क्या हो गया, थीटा 90 का मतलब हो गया डायपोल की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। क्या है, डायपोल की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या, परपेंडिकुलर होंगे, दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो ये मैंने डायपोल बना लिया, नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये डायपोल की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर हो गई। अब इसके अंदर देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये क्या है, डायपोल की डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, यहां इस कंडीशन में ऐसी सिचुएशन आए जहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल दोनों इस इधर क्या होती है, परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होगा, वह इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल आर परपेंडिकुलर ईच अदर। क्या होगा, व्हेन डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर ईच अदर, वहां पर हमें क्या प्राप्त होगा, टॉर्क मैक्सिमम प्राप्त होगा, और कितना प्राप्त होगा, पीई। वेयर इज दिस टॉर्क मिनिमम और जीरो। इसके बाद में देखेंगे कहां पर टॉर्क जीरो और मिनिमम होगा। आपको पता है, आपको यदि एंगल 90 डिग्री देगा तो टॉर्क क्या प्राप्त होगा, आपको मैक्सिमम प्राप्त होगा। यहीं पर यदि क्या बोल देगा, टॉर्क जीरो होगा कि नहीं होगा, ये पूछ रहा आपसे कि टॉर्क जीरो होगा या नहीं। इसके बाद में आपको मालूम है टॉर्क बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा। कितना होगा, पीई साइन थीटा हो जाएगा। यह टॉर्क का इसका दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा पी क्रॉस ई। इतना हमें पीछे अभी कुछ समय पहले देखा है।
अब इसके अंदर आपको मालूम करना है कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, कहां पर टॉर्क का मान क्या होगा, जीरो प्राप्त होगा और कहां पर मिनिमम प्राप्त होगा। तो देखो यह आपको टॉर्क मिनिमम चाहिए, टॉर्क बराबर साइन थीटा, तो ये आपको टॉर्क चाहिए मिनिमम, और टॉर्क मिनिमम कहाँ चाहिए, तो साइन थीटा क्या चाहिएगा, जीरो, और जीरो चाहने के लिए आपको थीटा कितना चाहिए, जीरो और 180, और 180 को क्या बोला जाता है, पाई बोला जाता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या प्राप्त होगा, टॉर्क मिनिमम प्राप्त होगा, थीटा बराबर जीरो और 180 पर आपको टॉर्क मिनिमम प्राप्त होगा। अब इसके अंदर देखो आपके पास दो कंडीशन आई है, एक तो थीटा बराबर जीरो के लिए और थीटा बराबर 180 के लिए आपके पास दो कंडीशन है। अब इन कंडीशन में किस प्रकार से कौन सी कंडीशन बिल्कुल स्टेबल है और कौन स्टेबल नहीं है, वो कंडीशन हम इसके अंदर देखते हैं। आपको ये मैंने दे दिया थीटा बराबर जीरो डिग्री पर। अब इसके अंदर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, थीटा एंगल का मान जीरो का मतलब ये हो गया कि डायपोल की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों की क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, दोनों एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, तभी आपका एंगल क्या बनेगा, जीरो। हम ये एंगल देख रहे हैं वो किसके किसके बीच में देख रहे हैं, ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के मध्य देख रहे हैं। तो ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये डायपोल मोमेंट बनाया मैंने नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, ठीक है। अब इसके अंदर फोर्स कार्य करेगा, अब इस कंडीशन में कैसे टॉर्क जीरो हुआ, फोर्स तो इसमें भी कार्य कर रहा है, क्यों ही मान का फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इसके अंदर भी कार्य करेगा, ये इसको रोटेट नहीं करवाएगा, नहीं ये इसको रोटेट नहीं करवाएगा, क्यों नहीं करवाएगा, रोटेट करवाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, नॉट डू नॉट हैव सेम लाइन एक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, इन दोनों की लाइन एक्शन दोनों की समान है, ये वाला क्या है, ये देखो फोर्स लग रहा है, ये क्यों ही फोर्स लग रहा था, ये इस दिशा में क्यों ही फोर्स, तो इसकी डायरेक्शन इस दिशा में लाइन एक्शन और इसकी लाइन एक्शन ये वाली, तो दोनों के लाइन एक्शन अलग अलग होने के कारण ये इसको रोटेट करवा रहा था, लेकिन यहाँ पर देखो ये फोर्स इस दिशा में, ये फोर्स भी इस दिशा में, दोनों क्या है, इक्वल है, लेकिन इनकी लाइन एक्शन भी क्या है, समान है, और लाइन एक्शन समान होने के कारण ये इसको रोटेट नहीं करवाएगा, और टॉर्क हमारे पास क्या प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा, मिनिमम प्राप्त होगा। यहीं पर यदि क्या कर दिया, थीटा बराबर 180 दे देता है, क्या देगा, थीटा बराबर 180 देगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डायपोल की डायरेक्शन दोनों की क्या होगी, अपोजिट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण यहाँ पर एंगल बनेगा 180। ये बनाया मैंने डायपोल, और डायपोल की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। अब इसके अंदर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में जा रहा है और डायपोल मोमेंट इस दिशा में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में, डायपोल मोमेंट इस दिशा में, तो यहाँ पर एंगल बन गया 180, और 180 बनते ही यहाँ पर टॉर्क कितना आ जाएगा, जीरो। लेकिन ये देखो यहाँ पर भी फोर्स तो कार्य करेगा, नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स द पॉइंट लगेगा और पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम चार्ज लगेगा, या फिर जिसको दूसरी भाषा में बोला जाए तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या लगेगा, फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, और पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स कार्य करेगा। अब ये वाला भी क्या है, इन दोनों की भी लाइन एक्शन सेम है, इन दोनों की भी क्या है, लाइन एक्शन सेम है, और लाइन एक्शन सेम होने के कारण ये इसको रोटेट नहीं करवाएगा, और रोटेट नहीं करवाएगा तो टॉर्क उत्पन्न नहीं होगा, और टॉर्क उत्पन्न नहीं होगा तो टॉर्क का मान आ जाएगा हमारे पास जीरो, शून्य आ जाएगा। अब ये दोनों कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन को 11th क्लास में हमने बोला था इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोला था, क्या बोला था, इक्विलिब्रियम, इसको भी क्या बोला जाएगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में भी 11th क्लास में हमने तीन कंडीशन पढ़ी थी, वहां पर देखो कौन कौन सी पढ़ी थी, एक पढ़ी थी स्टेबल कंडीशन और एक अनस्टेबल कंडीशन, ये हमने यूज किया था। अब इसको मैंने स्टेबल कंडीशन बोला है, इसको अनस्टेबल कंडीशन बोला है, तो ये क्यों बोला, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या है, डायपोल की डायरेक्शन। अब मैं इसको मान लो स्लाइटली इसको डिस्प्लेसमेंट देता हूँ, क्या करूंगा, इस डायपोल को मैं स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट देता हूँ, तो ये क्या करेगा, पुनः इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा, क्या करेगा, मैंने ये डायपोल था इसको इतना स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट दिया, तो ये पुनः क्या करेगा, पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा, और ये स्टेबल अपनी स्टेबल अवस्था में ही रहेगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने थोड़ा स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट दिया, इसको स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट देते ये क्या करेगा, पूरा रोटेट हो जाएगा, ये क्या करेगा, पूरा रोटेट हो जाएगा, इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस दिशा में क्या है, डायपोल की डायरेक्शन, इसको मैंने रोटेट करवाया, इस प्रकार से ये रोटेट करेंगे।
तो इसको स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट देते ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा। पूर्णतः रोटेट होकर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आने के कारण ये कैसी कंडीशन बन गई, ये अनस्टेबल कंडीशन बन गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करने के कारण डायपोल अपने डायरेक्शन चेंज कर लेता है, इसके कारण अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये वाला अपने प्रारंभ की अवस्था में ही रहना चाहेगा, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोला जाएगा। अब ये जो सारी घटना पड़ी है, ये जितनी भी घटना पड़ी है, ये सारी घटना हमने क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक साजिश होती है। क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक साजिश होगी। किस प्रकार से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या चाहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है कि ये जो डायपोल है, ये डायपोल हमेशा मेरी डायरेक्शन में रहे। डायपोल क्या रहे, मेरी डायरेक्शन में रहे। तो अपनी डायरेक्शन में रखने के लिए क्या करता है, इसको ये वाला तो पहले से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो हम इसकी डायरेक्शन जैसे ही चेंज करेंगे, इसके डायरेक्शन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको अपने डायरेक्शन में लेके आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपने डायरेक्शन में लेकर आना चाहेगा, इसलिए क्या आ गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट देते इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करेगा, इसको थोड़ा भी मूवमेंट करवाएंगे, मूवमेंट कराते ही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, अपनी साजिश खेलेगा और इसे अपने डायरेक्शन में लेकर आएगा। इसलिए ये कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके बाद में देखेंगे, आप देखो पॉज करके नोट करें, ये आपको क्या दिया है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपको डायपोल दिया है, और वो डायपोल क्या दिया, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या नेगेटिव चार्ज, ये इसका सेंटर हो, ये एल डिस्टेंस पर चार्ज रखा हुआ है। अब ये क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना एंगल बनेगा, 30 डिग्री का। तो इसके अंदर आपको पूछ लिया, एट द जस्ट मोमेंट, जस्ट एट द मोमेंट डाइपोल रिलीज्ड, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन, डाइपोल। इसके अंदर क्या बोल रहा है, अब ये डायपोल क्या है, इस डायपोल को हमने क्या किया, 30 डिग्री एंगल पर हमने इसको रिलीज किया, इसको छोड़ा, तो ये कितने एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ में ये रोटेट करेगा, कितने एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, अल्फा, इसके अंदर आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए आप क्या जानते हो कि ये रोटेट करेगा, तो इसके अंदर टॉर्क आएगा, टॉर्क कितना आएगा, पीई साइन थीटा मान का आएगा, और थीटा का मान कितना दिया है इसके अंदर, 30 डिग्री दिया है, कितना दिया है 30, तो आप सभी जानते हो। इसके अलावा क्या जानते हो, टॉर्क 11 क्लास में पढ़ा था, तो टॉर्क बराबर क्या होता है, आई अल्फा, कितने होता है, आई अल्फा होता है। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाता है एम आर वन स्क्वायर प्लस एम आर टू स्क्वायर प्लस एम आर थ्री का स्क्वायर प्लस डॉट, इस प्रकार से चलता रहेगा। अब ये आर क्या होता है, आर होता है इसके सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, क्या होगा, सेंटर ऑफ मास से इस चार्ज की अंतिम छोर की दूरी हो जाएगी। तो इसके लिए, इस वाले डायपोल के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस एल, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस एल, दोनों चार्जों के लिए एम एल स्क्वायर, दोनों चार्जों के लिए कितना आ गया, एम एल स्क्वायर, तो दोनों चार्जों का 2ml² आ गया, तो आई आ गया आपके पास 2ml². ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुटअप करेंगे तो टो की वैल्यू आ जाएगी 2ml² अल्फा, कितनी आ गई, 2ml² अल्फा। ये वाला मान इसके अंदर यहाँ पुटअप करेंगे तो आ जाएगा 2ml² अल्फा। और क्या होता है, डाइपोल मोमेंट पी होता है पी इंटू 2L, ये होता है डाइपोल मोमेंट, आपको इसका आपको पीछे हम ये लेक्चर में पढ़ कर आए हैं, तो ये आ जाएगा 2q(2l)e sin 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो एम एल अल्फा बराबर
क्यूई बाई टू, साइन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, तो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा क्यूई बाई एम एल अपन पॉन टू, ये आ जाएगा क्यूई बाई एम एल और टू आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। किस प्रकार से, बिल्कुल इजी है, आपको क्या बोला, इस समय इसको क्या किया गया, रिलीज किया गया, इस समय इसको क्या किया गया, रिलीज किया गया, और रिलीज करने पर इसका एंगल ले लिया आपको 30 डिग्री एंगल पर इसको रिलीज किया गया। तो आपको इलेवंथ की एक छोटी सी बात याद रखनी है कि उसके लिए टॉर्क बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एक्सेलरेशन, सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ एंगुलर, क्या हो गया इसका, इसका इनटू ज्ञात करेंगे, फिर आपको पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, एम आर वन का स्क्वायर प्लस एम आर टू का स्क्वायर प्लस एम आर थ्री का स्क्वायर, इस प्रकार से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाता है। और आर कहाँ से लेते हैं, सेंटर से डिस्टेंस ली जाती है, तो सेंटर से सेंटर ऑफ मास से ये डिस्टेंस ले ली, तो इसके लिए इस डायपोल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2ml स्क्वायर है और टॉर्क का मान है 2ml स्क्वायर इनटू अल्फा, ये वाला इसके अंदर पुट अप करेंगे तो इसके अंदर अल्फा आ जाएगा क्यूई बाई 2ml, पॉज करके नोट करेंगे। इसके बाद में आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। अरे जीनियस लोगों पढ़ते हो ना, कहीं आप भी अपना देख रही थी, नींद मुझे अपनी ओर खींच रही थी, किताबें मुझे देख रही थी, नींद मुझे अपनी ओर खींच रही थी, नींद का झोंका मुझे मोह गया और एक जीनियस बिना पढ़े सो गया। कहीं आपके साथ में ऐसा नहीं है कि जीनियस बिना पढ़े सो गया, ऐसा नहीं करना बच्चों लोगों, पढ़ना है आप लोगों भी, क्या करना है, पढ़ना है, पढ़ने। अब इसके अंदर बोल दिया ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, अब यहाँ पर ये क्या करेंगे, अब ये जो चार्ज रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा हुआ है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसा डायरेक्शन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको मैं थोड़ा सा स्लाइटली क्या करूंगा, डिस्प्लेसमेंट देता हूँ, स्लाइटली इसको क्या करूंगा, डिस्प्लेसमेंट दूंगा, तो ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने के बाद में उसको तुरंत क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी दिशा में लेके आएगा, इस प्रकार से ये क्या करेगा, एसएसएम करता रहेगा। ये देखो किस प्रकार से होगा, ये क्या डायपोल है, डायपोल को हम जैसे ही स्लाइटली इसको डिस्प्लेसमेंट देंगे ये ऊपर जाएगा। अब ये ऊपर जाकर सेम अपनी पुरानी जगह पर नहीं रुकेगा, ये थोड़ा उसे नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर आएगा, फिर ये नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे, फिर ये ऊपर, इस प्रकार से ये मोशन चलता रहेगा और ये एसएचएम का निर्माण हो जाएगा। ये जिस प्रकार से आप साइकिल चलाते हो, तो साइकिल चलाओगे तो आप क्या अंत में जाकर क्या करते हो, ब्रेक लगाओगे, तो ब्रेक लगाते हो आप थोड़ा रुकते नहीं हो, आगे जाकर रुकोगे, उसी प्रकार ये क्या करेगा, इसको स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट देकर ये आना रुकर ये थोड़ा आगे रुकेगा, इस प्रकार से एसएचएम होगा। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ वी डिस्प्लेस्ड डाइपोल स्लाइटली फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन इट विल ऑक्सीलेट विद स्मॉल frequency then find time period of oscillation। क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, अब ये क्या करेंगे, इसको स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट देंगे, कहां से, स्टेबल इक्विलिब्रियम से, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा विद स्मॉल फ्रीक्वेंसी के साथ में, ये नहीं बताया क्या करेगा, इधर जाएगा, फिर इधर, इधर चला, उधर चला, इधर चला, उधर, तो ये क्या करेगा, एसएचएम स्टार्ट करेगा, और एसएचएम करते हैं आपको क्या बोल दिया, टाइम पीरियड टी निकालना है, तो टाइम पीरियड टी निकालने के लिए आपको एसएचएम का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। उससे पहले देखो क्या करते हैं, आप सभी को क्या मालूम है, टॉर्क बराबर होता है क्यूई साइन थीटा होता है, टॉर्क बराबर क्या होगा, क्यूई साइन थीटा। अब इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने किया है स्लाइटली, क्या किया, स्लाइटली इसको डिस्प्लेस किया है, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड थीटा, किसके साथ में, थीटा के साथ में, इसको थोड़ा सा ज्यादा एंगल नहीं दिया, इसको थोड़ा सा नेक के बराबर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा क्या आ जाएगा, थीटा लिख सकते हैं। इसको मामूली सो मैंने क्या किया, इसको डिस्प्लेसमेंट किया बिल्कुल बहुत ही कम, तो टॉर्क बराबर क्या लिखेंगे, क्यूई साइन
माइनस थीटा। अभी नेगेटिव चार्ज कहाँ लिया, क्योंकि ये क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम में, अब स्टेबल इक्विलिब्रियम से इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये अपनी स्थिति का विरोध करेगी, विरोध करने पर इसके अंदर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। जिस प्रकार से आपने 11th क्लास में देखा था कि ये क्या है एफ क्या होता है एफ बराबर माइनस के एक्स होता है, जहां पर नेगेटिव साइन क्या था ये लगने वाला ये डिस्प्लेसमेंट का क्या करेगा विरोध करेगा। नेगेटिव साइन क्या कर रहा था, नेगेटिव साइन बता रहा था कि बल लगाने पर यह अपनी स्थिति में विरोध कर रहा है, उसी प्रकार यह नेगेटिव साइन भी क्या करेगा यहाँ पर बल लगाने पर यह अपनी डिस्प्लेसमेंट में क्या करेगा विरोध, ये साइन शो कर रहा है, तो ये वाला इसका यूज किया। इसके साथ में 11th क्लास में हमने एक और पढ़ा था, क्या पढ़ा था ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यह संबंध पढ़ा था, तो ये एंगुलर के लिए आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये एंगुलर के लिए किस प्रकार आ जाएगा अल्फा बराबर ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो अल्फा कहां पर है अल्फा आएगा टो बराबर आई अल्फा से, कहां आएगा टो बराबर आई अल्फा, तो टो बराबर कितना आ जाएगा आई माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये वाला मान इसके अंदर पुट अप करेंगे तो आई माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर क्यू ई माइनस थीटा। अब इसके माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो गया, अब देखो क्या बचा ओमेगा स्क्वायर आई बराबर क्यू ई और ओमेगा स्क्वायर बराबर बचा क्यू ई बटे आई, तो ओमेगा बराबर कितना आया क्यू ई बटे आई का अंडर रूट, क्या आया क्यू ई बटे आई का अंडर रूट। अब इसके साथ में हमें क्या निकालना है टाइम पीरियड एसएचएम, और टाइम पीरियड होता है एसएचएम के अंदर टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा, और टी का मान लिखते हैं इसके अंदर ओमेगा मान रखेंगे तो आ जाएगा आई अपॉन एम ई, क्या आ जाएगा आई अपॉन एम ई, ये आ जाएगा टाइम पीरियड ऑफ डाइपोल ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन करते डाइपोल का टाइम पीरियड आ गया। कैसे निकाला, सिर्फ दो बातें आपको 11th की दाग में रखनी है, एक तो ये वाला संबंध, फिर इसको एंगुलर में अप्लाई करेंगे, एक ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है और एक ये वाला आपको ध्यान में रखना है। और ये क्या करेगा डिस्प्लेस कर रहे हैं तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में कर रहे हैं तो ये थीटा आ जाएगा, और मामूली सा डिस्प्लेस करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। इसके बाद में ये इक्वेशन आपका बिल्कुल क्या आ जाएगा मक्खन की तरह आ जाएगा आपके दिमाग में, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है ये वाला संबंध ये वाला संबंध ये वाला संबंध, 11th क्लास को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है, आपका गजनी वाला आपको दूर करना है दिमाग को, गजनी यहाँ पे यूज नहीं करना। इसके बाद में देखते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किस प्रकार से डायपोल का निर्माण होगा वो देखते हैं, तो करते हैं आपका स्वागत नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो देखो इससे पहले हम देखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किस प्रकार से हमने डायपोल मोमेंट का टॉर्क निकाला था, यह था यूनिफॉर्म 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 इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना था ऑलवेज जीरो रहेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एन प्लेट का रहेगा जीरो, टॉर्क कितना रहेगा पीई साइन थीटा, और ये क्या था टॉर्क जीरो, क्या होगा टॉर्क पी साइन थीटा पी क्रॉस ई, पी से ई की ओर जाना है, ये बात हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था, और यहाँ पर क्या है टॉर्क जीरो मे और मे नोट, क्या होता है मे बी नोट मे और मे बी नोट जीरो, ठीक है, यह वाली बात हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था। अब यूनिफॉर्म के बाद में आएगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन आएगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा देखो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने पहले बताया था यह हर जगह क्या रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड समान नहीं रहेगा, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड समान नहीं रहेगा तो फोर्स भी समान नहीं होगा, और फोर्स समान नहीं होगा तो एफ नेट जीरो नहीं होगा, तो इसके अंदर एफ नेट क्या होगा जीरो हो भी सकता है मे और मे नॉट बी मे नॉट बी जीरो, क्या होगा जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके अंदर भी क्या हो जाएगा टॉर्क के लिए भी सेम कहानी रहेगी मे और मे नॉट बी जीरो, इसलिए ज्यादा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें नहीं की जाती। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो बच्चों, और आपको क्या करना है जीनियस बनना है, जीनियस की तरह सोना नहीं है, अगला लेक्चर लेके आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही गॉस लॉ के बारे में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में लेकर आएंगे, तो पढ़ते रहो ऑल द वेरी बेस्ट।